दुर्ग शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए अमृत मिशन योजना के तहत मिलपारा दुर्ग में बनाई गई पानी टंकी से ट्रायल के दौरान झरने की तरह पानी बहने से टंकी की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दुर्ग जिला भाजपा मीडिया प्रभारी केश चौहान ने पानी टंकी से पानी रिसाव पर कहा कि निगम अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि टंकी निर्माण की मॉनिटरिंग निगम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही थी। केश चौहान इस घटना के निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी है। एक्चुअली इस गर्मी में दो चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एक बिजली की और एक पानी की, और ये दोनों चीजें हमारे दुर्ग की जनता को से महरूम है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मौका था कि जो अमृत मिशन के द्वारा केंद्र सरकार ने जो 2 करोड़ रुपए दिए थे, जो स्थानीय एजेंसी को नगर निगम ने दिए बनाने के लिए पानी टंकी, मिल पारा की पानी टंकी आज ये जो सिर्फ ट्रायल हो रहा था उसमें ही पानी रिसाव होने लग गया, झरने की तरह बहने लग गया। ये किस टाइप की मॉनिटरिंग थी, यह भ्रष्टाचार से कैसे लिप्त थी, ये जांच का विषय है और बहुत ही गंभीर विषय। अगर मान लीजिए पानी टंकी फट जाती तो बहुत लोगों के जान और माल की नुकसान हो सकता था, और आज इसके कारण ये जो टैंकर मुक्त हमारा दुर्ग शहर होने वाला था वो नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही, उनमें भ्रष्टाचार से लिप्त होने की आशंका जरूर है, और इसकी पूर्णता जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, आज हम रात को लाइट चले जाती है, हम फोन लगाते हैं, कोई देखने नहीं आता है, एक आम समस्या है, और ये आज की समस्या नहीं, बहुत पहले की समस्या है। कई बार बिजली विभाग को, दूसरों को विभाग को, कलेक्ट्रेट को में तक के शिकायत गई है, जनप्रतिनिधियों के पास शिकायत गई है, लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं है। डिपार्टमेंट को शिकायत गई है लेकिन कोई कुछ करता ही नहीं। आप या तो आपका फोन एंगेज आता है, या आप उठा के फोन ऊपर रख देते हैं, बाहर रखते रहते हैं तब एंगेज आता है, नहीं तो, और या तो आप फोन उठाते नहीं है। ये सरासर अपनी दायित्व से भागना है, और कृपया इसमें संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो संज्ञान ले और निजात पाए, निजात दे इन परेशानियों से, बिजली की भी और पानी की भी।